सुंबुल की बात शिव ठाकरे के लिए पत्थर की लकीर। भाई इनकी दोस्ती भी लोग पसंद कर रहे हैं और इनकी लड़ाई और इनका चुलबुल अंदाज जो है लोगों की तरफ काफी ज्यादा खिंचाव बन रहा है, जहां पर इनकी छोटी छोटी बातें लोग जानना चाहते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि सुंबुल ने ऐसी क्या चीज कर दी जो कि पत्थर की लकीर बन गई शिव ठाकरे के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इस दोस्ती क्या आप लोगों को पसंद है शिव ठाकरे और सुंबुल की, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बिग बॉस ने जिस तरीके से माइंड चेंज करने की कोशिश की शिव ठाकरे का सुंबुल के खिलाफ, और उसके बाद भी शिव ठाकरे बिल्कुल भी बदले नहीं सुंबुल के प्रति, उसके ऊपर आपका क्या कहना है, उसके बारे में भी जानकारी जरूर दीजिए। तो यहाँ पर शिव ठाकरे जो है अपने कपड़ों को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार वो पहने तो पहने क्या। हालांकि शिव ठाकरे कुछ भी उठा के पहन लेते हैं, वो काफी ज्यादा हैंडसम है और हैंडसम भी लगते हैं। वहीं पर सुंबुल आती है और सुंबुल पूछती है कि भाई क्या हुआ, जहां पर शिव बोलती है कि यार मुझे आज समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिरकार पहनूं तो मैं पहनूं क्या, जहां पर सुंबुल बोलती है कि मेरी कंफ्यूजन तो निकाल दी और खुद कंफ्यूज होके बैठा है। सुंबुल जो है एक शर्ट उतार निकालती है बैग से और उनके पीठ पे रख देती है और बोलती है ये पहन अच्छा लगेगा, जहां पर एक बात भी पलट के पूछते नहीं है शिव ठाकरे और जाती हैं और शर्ट जो है पहन लेती है और वो तो हैंडसम लगेंगे ही। जहां पर सुंबुल बोलती है देखा तो हैंडसम तो काफी ज्यादा लग रहा है, जहां पर शिव ठाकरे सुंबुल को थैंक्स बोलते हैं और यही एक बात है जो कि पत्थर की लकीर बन गई। भाई नहीं तो बंदा बोलता नहीं यार मुझे ये पसंद नहीं, मैं तो ऑलरेडी देख लिया हूं, ऑलरेडी शिव ठाकरे ने वो शर्ट निकाली थी, पर सुंबुल के कहने पर एक बार में ही वो शर्ट पहन के तैयार हो गए शिव ठाकरे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।